प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर अब जिला बिलासपुर में भी दो पहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। दो पहिया वाहन को चलाने वाले चालक के अलावा सवारी को भी पहनना होगा हेलमेट, नहीं तो पुलिस चलान के तौर पर बड़ा आर्थिक जुर्माना करेगी। जिला बिलासपुर की SP साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अभियान 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर अब जिला बिलासपुर में भी दो पहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। दो पहिया वाहन को चलाने वाले चालक के अलावा सवारी को भी हेलमेट पहनना होगा, नहीं तो पुलिस चलान के तौर पर बड़ा आर्थिक जुर्माना करेगी। जिला बिलासपुर की SP साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जन साधारण को सूचित किया जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं को और कम करने के लिए जिला पुलिस लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 28 नवंबर से एक विशेष अभियान के तहत जिला की जनता को जागरूक किया जा रहा है। ये अभियान 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। 6 दिसंबर के उपरांत जिला पुलिस यातायात अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, जिसके प्रति लापरवाह दो पहिया चालक व साथ में बिना हेलमेट यात्रा कर रहे लोग उत्तरदायी होंगे। SP साक्षी वर्मा ने जिला पुलिस को जन साधारण से सहयोग प्रदान करने की भी अपील की है। उन्होंने जनता से ये भी आग्रह किया कि हेलमेट खरीदते समय उच्च गुणवत्ता युक्त हेलमेट का प्रयोग करें। उन्होंने हेलमेट विक्रेताओं को भी आगाह किया है कि नकली एवं घटिया किस्म के हेलमेट दो पहिया वाहनों को मत बेचें, अन्यथा नियमानुसार उन पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि रिपोर्ट एक हमारे पास आई भी है और हम लोग देखते भी हैं कि जब भी टू व्हीलर जो भी चला रहे होते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, तो सबसे मेन कारण जो फेटल एक्सीडेंट का रहता है वो होती है हेड इंजरी। तो इसी कारण से हम लोग मेन राइडर के लिए हेलमेट पहनने का काफी देर से मुहिम चलाए हुए थे और हमने स्पेशल कैंपेन भी चलाया था और उसका रिजल्ट दिखा भी है। लोगों ने मेन राइडर स्पेशली जो है हमारे जिले में जो है हेलमेट लगाकर ही गाड़ियां चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, तो उसी को अब आगे बढ़ाते हुए टू एंश्योर कंप्लीट सेफ्टी फॉर ऑल द राइडर्स हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं इस हफ्ते में, जिसमें कि हम लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं कि जो पिलियन राइडर हैं, जो पीछे बैठे हैं, चाहे लेडीज हैं चाहे मेल हैं, वो भी हेलमेट लगाकर ही बैठे। और इस अवेयरनेस कैंपेन के बाद उस हम लोग जब लोगों को थोड़ा एजुकेट कर देंगे, उसके बाद ही हम जो है फिर स्ट्रिक्ट प्रोविजन एज पर MV एक्ट जो बनती है चलान की, वो शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इट इज मोर ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर अ वीक। After that, हम लोग इसको strictly enforce करेंगे।